हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम यशवंत है, आप देख रहे हैं ट्रेन अपडेट फ्यूचर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 फरवरी से चलने वाली, यानी 27 फरवरी से चलने वाली कुछ नई लोकल मेमू स्पेशल ट्रेनों के बारे में। ये पैसेंजर ट्रेन है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ये ट्रेन कहाँ से और कब से चलना प्रारंभ हो जाएंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहेगी। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, इस वीडियो में कुछ स्पेशल ट्रेन है और साथ ही कुछ लोकल भी ट्रेन है, यानी कुछ एक्सप्रेस ट्रेन है और कुछ लोकल मेमू और डेमू पैसेंजर ट्रेन है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ये ट्रेनें कहाँ से और कब से चलना प्रारंभ होंगे। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों को डाउट था कि जो 22 फरवरी से चलने वाली ट्रेन है क्या अब वो आगे खिसक गई हैं। जी नहीं, जो नॉर्दर्न रेलवे ने 22 फरवरी से जिन ट्रेनों को शुरू किया था, 35 ट्रेनें, वो 22 फरवरी से चलना प्रारंभ हो गई। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कुछ नई है, ये वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाली ट्रेनें जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो वो नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाली ट्रेन थी जो 22 फरवरी 22 फरवरी को चलना प्रारंभ हो गई है। मैं आपको इस वीडियो में वेस्टर्न रेलवे द्वारा चलने वाली ट्रेनों के बारे में बताऊँगा। मैं आपको बता दूँ, ये ट्रेन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन सी ट्रेन है। पहले मैं आपको कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका संचार रेलवे शुरू करने जा रहा है। क्योंकि मैंने एक दो दिन पहले जो वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 28 फरवरी से चलेंगे 60 ट्रेनों के बारे में बताया था, जिसमें से कुछ ट्रेनें आज की इस वीडियो में बताऊंगा जिनको परमिशन मिल गई है वो चलना प्रारंभ हो जाएंगी। उनको क्या टाइम टेबल रहेगा मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे ही बची हुई ट्रेनों के बारे में अपडेट मिल जाएगी मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले जो एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में जिनकी परमिशन रेलवे बोर्ड द्वारा मिल गई। मैं आपको बता देता हूँ कब से ये ट्रेनें चलना प्रारंभ होंगी। देखिए, इसमें पहली जो ट्रेन है, देखिए जिसमें पहली गाड़ी, ये ट्रेन बीकानेर से इंदौर और बीकानेर के मध्य चलती है। महामाना स्पेशल के नाम से फुल्ली रिजर्व रहेगी, यानी इस ट्रेन में आप बुकिंग करा करके सफ़र कर सकते हो। जो इस ट्रेन का ओरिजिनल नंबर है वो 19333 और 19334, लेकिन अब इस ट्रेन का नया नंबर रहेगा 09333। जब ये इंदौर से चलेगी, जब ये ट्रेन बीकानेर से चलेगी तब इस ट्रेन का नंबर रहेगा 09334। देखिए, ये ट्रेन महामना एक्सप्रेस इंदौर से 27 फरवरी को और बीकानेर से 28 फरवरी को चलना प्रारंभ हो जाएगी। ये साप्ताहिक गाड़ी यानी वीकली, सैटरडे को चलती है, शनिवार को इंदौर से बीकानेर से, संडे यानी रविवार को चलती है ये ट्रेन। ये ट्रेन LHB कोचों के साथ चलेगी। आइए मैं अब आपको इसकी टाइम टेबल बताती हूँ। ये ट्रेन दोपहर में 1:30 पर इंदौर से डिपार्चर करती है, रतलाम 3:45 पर आ जाती है। इसके बाद ये ट्रेन अजमेर पहुँच जाती है 11:40 पर। इसके बाद ये ट्रेन रिंगस होते हुए आगे बढ़ती है, रिंगस की टाइमिंग है 2:20 की। सीकर 3:30 पर, चूरू 4:55 पर, बीकानेर पहुंच जाती है 8:10 पर सुबह। अगर हम बात करेंगे इंदौर से बीकानेर की दूरी रहेगी 960 किलोमीटर के लगभग रहेगी, यानी 960 किलोमीटर के लगभग हुई रहेगी। अगर ये ट्रैवल टाइम लेगी लगभग 18 घंटे 40 मिनट का ट्रैवल टाइम लगेगी और एवरेज स्पीड रहेगी 51.41 किलोमीटर। देखिए, आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। बीकानेर से ये ट्रेन चलेगी दोपहर के 1:25 पर, चुरू आ जाएगी 4:35 पर, सीकर 6:20 पर, रिंगस आ जाती है 7:05 पर, अजमेर रात के 10 बजे आ जाती है अजमेर, रतलाम आ जाती है सुबह के 5:30 पर, रतलाम आ जाती है। इंदौर की टाइमिंग है इसके सुबह के 8:30 की। तो ये पहली ट्रेन थी महामना एक्सप्रेस, इंदौर से बीकानेर के मध्य चलती है, 27 फरवरी को इंदौर से और 28 फरवरी को बीकानेर से चलना प्रारंभ हो जाएगी। आइए अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट गाड़ी अहमदाबाद से श्री माता वैष्णो देवी कटरा चलती है, अहमदाबाद से कटरा चलती है साप्ताहिक गाड़ी है। ये ट्रेन अहमदाबाद से चलेगी 7 मार्च को, यानी कि 7 मार्च को, और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलेगी 9 मार्च को, यानी 9 मार्च को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलेगी ट्रेन नंबर रहेगा 09416, जब अहमदाबाद से चलेगी ये गाड़ी तब ट्रेन नंबर रहेगा 09415। ये ट्रेन संडे को चलती है अहमदाबाद से वीकली है, यानी रविवार को चलती है अहमदाबाद से। साई माता वैष्णो देवी कटरा से ट्यूजडे मंगलवार को चलती है। ये ट्रेन LHB कोचों के साथ चलेगी। आइए मैं आपको इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। अहमदाबाद से 8:20 पर रात में डिपार्चर करेगी। इसके बाद ये ट्रेन महसाणा पहुँच जाती है 9:34 पर, आबू रोड 12:05 पर आ जाती है। इसके बाद ये ट्रेन अजमेर आ जाती है सुबह के 5 बजे, फुलेरा आएगी 6:20 पर, जयपुर पहुँच जाती है 7:15 पर, बांदकुई आती 8:38 पर, अलवर आ जाती 9:25 पर, रेवाड़ी 11:10 पर, हिसार पहुँच जाती है 2 बजे, भट्टी 10:55 पे, फिरोजपुर 6:55 पे, जालंधर सिटी 9:25 पे, अमृतसर 11:15 पर,
इसके बाद यह ट्रेन पहुंच जाती है पठानकोट 2 बजे रात में, जम्मू तवी 4:20 पे, उधमपुर 5:36 पे, श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुबह 6:35 पे पहुंच जाती है। साप्ताहिक गाड़ी अगर हम बात करेंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अहमदाबाद तक की दूरी 1719 किलोमीटर रहेगी और ये गाड़ी लगभग 34 घंटे का ट्रेवल टाइम रहेगी। एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर लगभग रहेगी। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ, जब ये ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलेगी 10:40 पर सुबह डिपार्चर करेगी, उधमपुर 11:04 पर, जम्मू तवी 12:15 पर, पठानकोट 2:20 पर आएगी, अमृतसर आएगी 5:20 पर, जलंधर सिटी 7 बजे, फिरोजपुर 10:25 पर, बठिंडा 12:45 पर, हिसार 3:30 पर, रेवाड़ी आएगी सुबह के 7:30 पर, अलवर आ जाती 8:53 पर, बांदीकुई 9:45 पर, जयपुर 11:20 पर, फुलेरा 12:11 पर, अजमेर की टाइमिंग है 2:35 की। इसके बाद ये ट्रेन अहमदाबाद आ जाती है रात के 10 बजे। तो ये अहमदाबाद से साप्ताहिक गाड़ी है जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए प्रारंभ होने जा रही है 7 मार्च को। आइए अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट गाड़ी है एक्सप्रेस है ये भी, ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनल से भुसावल के मध्य चलती है, खानदेश एक्सप्रेस के नाम से खानदेश। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलती है। बांद्रा टर्मिनल से जब चले ट्रेन नंबर रहेगा 09013, जब भुसावल से चली तब ट्रेन नंबर रहेगा 09014 नंबर के साथ चली बांद्रा टर्मिनल से 7 मार्च को, और भुसावल से 7 मार्च को चलना प्रारंभ हो जाएगी। बांद्रा टर्मिनल से ट्यूसडे थर्सडे संडे मंगलवार गुरुवार और रविवार को डिपार्चर करती है, वहीं ये भुसावल से भी ट्यूसडे थर्सडे संडे डिपार्चर करती है। ये ट्रेन LHB कोचों के साथ चलेगी। देखिए आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इसके बारे में आपको लोकल ट्रेनों के बारे में ही बताऊंगा। ये 3 ट्रेनें थी जो कि एक्सप्रेस कैटेगरी थी, पहले मैं इसको बता देता हूँ फिर आपको लोकल ट्रेनों के बारे में बताऊँगा। देखिए बांद्रा टर्मिनल से ये ट्रेन रात के 12:20 पर डिपार्चर करेगी, जलगांव आ जाएगी 11:20 पर, 12 बजे भुसावल आ जाती है। भुसावल से ये ट्रेन 5:40 पर डिपार्चर करती है, जलगांव 6:07 पर, और बांद्रा टर्मिनल पहुंच जाती है सुबह के 4:30 पर। ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनल आ जाती है। तो ये खानदेश एक्सप्रेस है जो कि ये ट्रेन 7 मार्च को यानी 7 मार्च को चलना प्रारंभ हो जाएगी। आइए अब मैं आपको लोकल ट्रेनों के बारे में बताता हूँ। देखिए अब मैं आपको यहाँ से लोकल ट्रेनों के बारे में बताऊँगा, इसमें जो पहली लोकल ट्रेन है ये बड़ौदरा से चलेगी। आइए मैं आपको बता देता हूँ, बड़ौदा से जब ये ट्रेन चली तो इस गाड़ी का नंबर रहेगा 09317 नंबर के साथ चलेगी। पहले इस ट्रेन का नंबर था 69117। देखिए ये फुल्ली रिजर्व ट्रेन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फुल्ली रिजर्व ट्रेन है। अगर आपको इसमें सफ़र करना है तो आप इसमें रिजर्वेशन करा करके ही सफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये मेमू कैटेगरी की यानी सटल रहेगी, 12 कार यानी इसमें 12 डिब्बे लगाए गई। आइए अब मैं आपको इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। ये ट्रेन बड़ौदा से चलती है दाहोद, बड़ौदा दाहोद है ये ट्रेन, बड़ौदा से दाहोद मेमू चलती है। बड़ौदा से ये ट्रेन इसके चलने का जो समय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये ट्रेन बड़ौदा से जब चलेगी तो डिपार्चर करिए 1:45 पर, और दाहोद पहुँच जाती है ये शाम को 5:20 पर, ये ट्रेन दाहोद आ जाती है दाहोद। तो ये पहली ट्रेन थी जो कि दाहोद बड़ौदा दाहोद है, ये बड़ौदा से ही चलेगी। दाहोद से इसके चलने का भी जो ट्रेन नंबर है वो जारी नहीं किया गया है। देखिए आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चलें। चलिए आइए आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट गाड़ी दाहोद रतलाम पैसेंजर ट्रेन है। देखिए इसका पहले ओरिजिनल नंबर था 6918169182, लेकिन रेलवे ने इसका नया नंबर जारी किया। ये ट्रेन फुल्ली रिजर्व रहेगी, यानी कि आप इस ट्रेन में बुकिंग करा करके सफ़र कर सकते हैं। दाहोद से जब गाड़ी चलेगी तब ट्रेन नंबर रहेगा 09381, जब रतलाम से चलेगी तब इस गाड़ी का नंबर रहेगा 09382। दाहोद से 27 फरवरी को, रतलाम से 28 फरवरी को चलना प्रारंभ हो जाएगी। दाहोद से डेली चलेगी, रतलाम से भी डेली चलेगी। ये ट्रेन मेमू कैटेगरी की, इसमें टोटल 12 डिब्बे लगाए गए। आइए मैं आपको इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। दाहोद से ये ट्रेन शाम के 5:25 पर डिपार्चर करेगी, रतलाम शाम को 7:40 पर आ जाएगी। जब ये ट्रेन रतलाम से चलेगी तो चलने का समय इसके सुबह के 8:20 का, रतलाम से चलती है, दाहोद आ जाएगी 10:45 पर सुबह। तो ये लोकल ट्रेन है दाहोद से रतलाम के मध्य चलती है। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको इस वीडियो में सभी ट्रेनों के लोकल ट्रेनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए आइए नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो सटल है ये लोकल ट्रेन है, ये रतलाम से नागदा चलती है, डेली चलती है। देखिए ये ट्रेन जब रतलाम से चले तो इस ट्रेन का नंबर रहेगा 09383, जब ये ट्रेन नागदा से चले तब इस ट्रेन का नंबर रहेगा 09384। ये ट्रेन रतलाम से 27 फरवरी को दाहोद और सॉरी नागदा से ये ट्रेन यानी रतलाम से 27 को, नागदा से 28 फरवरी को चलना प्रारंभ हो जाएगी। आइए अब मैं आपको इस ट्रेन का नंबर टाइम टेबल बता देता हूँ। देखिए ये ट्रेन रिजर्व कैटेगरी की है, यानी कि आप इस ट्रेन में भी आप रिजर्वेशन करा करके ही सफ़र कर सकती हैं। आइए मैं आपको इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। ये ट्रेन रतलाम से शाम के
7:50 पर डिपार्चर करती है और नागदा पहुंच जाती है रात के 8:45 पर। जब ये ट्रेन नागदा से चली तो नागदा चलने का समय सुबह के 7:10 पर नागदा से डिपार्चर करती है यानी खुलती है। रतलाम सुबह 8:10 पर आ जाती है। तो ये रतलाम नागदा पैसेंजर ट्रेन थी। आइए अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पैसेंजर ट्रेन है नागदा उज्जैन। नागदा उज्जैन है ये ट्रेन पहले पुराने नंबर से चलती थी 69185 और 69186। अब इस ट्रेन का नया नंबर जारी कर दिया। अब ये ट्रेन नागदा चली 09385 नंबर के साथ। नागदा से 27 फरवरी को उज्जैन से जब चले ट्रेन नंबर रहेगा 09386, 28 फरवरी को उज्जैन से चलना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए ये ट्रेन भी मेमू कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इसमें टोटल 12 डिब्बे लगाए गए। आपको इस ट्रेन का टाइम बता देता हूँ। देखिए ये ट्रेन नागदा से चलती है रात के 8:55 पर। उज्जैन आ जाएगी रात के 10:20 पर। उज्जैन से सुबह 5:30 पर डिपार्चर करेगी। नागदा आ जाएगी 6:55 पर। तो ये नागदा उज्जैन पैसेंजर ट्रेन है। आइए अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट गाड़ी बड़ौदा से दाहोद चलती है। बड़ौदा दाहोद पर डे चलती है। फुल्ली रिजर्व ट्रेन कैटेगरी के अंतर्गत आती है। अब इस ट्रेन का नया नंबर रेलवे ने जारी कर दिया गया। देखिए नया नंबर इसका जब बड़ौदा से चलेगी 09319, दाहोद से चलेगी 09320। बड़ौदा पहले इस ट्रेन का जो नंबर था वो था 69119 और 69120, लेकिन रेलवे ने अब इस ट्रेन का नया नंबर जारी कर दिया। बड़ौदा से 27 फरवरी को यानी 27 फरवरी को, दाहोद से 28 फरवरी को यानी 28 फरवरी को चलना प्रारंभ हो जाएगी। पर डे चला करेगी। ये मेमू कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इसमें आप फुल्ली रिजर्व कैटेगरी की, इसमें आप रिजर्वेशन करा करके सफ़र कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको इस ट्रेन का टाइम टेबल बता देता हूँ। बड़ौदा से शाम के 6:15 पर डिपार्चर करती है। देखिए मैं आपको इसमें मेन मेन स्टॉपेज के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी ना हो इस वजह से मैं आपको मेन मेन स्टेशन के टाइमिंग बता देता हूँ। दाहोद पहुँच जाती है रात के 10:10 पर। दाहोद से सुबह के 6:10 पर डिपार्चर करती है। बड़ौदा 9:25 पर आ जाती है। तो ये बड़ौदा से दाहोद पैसेंजर ट्रेन थी, लोकल ट्रेन है। अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट गाड़ी बड़ौदा से अहमदाबाद चलती है। बड़ौदा अहमदाबाद डेली है। बड़ौदा से 1 मार्च को, अहमदाबाद से 2 मार्च को चलना प्रारंभ हो जाएगी। बड़ौदा से जब ये गाड़ी चलेगी तो ट्रेन का नंबर है 09315। जब अहमदाबाद से चलेगी तब ट्रेन नंबर है 09316। देखिए ये ट्रेन फुल्ली रियर कैटेगरी के, इस ट्रेन में भी आप सफ़र कर सकते हैं बुकिंग करा करके ही। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ इसके टाइमिंग के बारे में। देखिए बड़ौदा से ये ट्रेन डिपार्चर करती है शाम के 7:55 पर। अहमदाबाद 11:25 पर आ जाती है। देखिए इसके मैं मेन मेन स्टॉपेज के बारे में बता देता हूँ। ये ट्रेन जब अहमदाबाद से डिपार्चर करती है सुबह के 5:20 पर, बड़ौदा आ जाती है 8:25 पर। तो ये लोकल मेमू कैटेगरी के अंतर्गत ट्रेन चलेंगी। इसमें आप बुकिंग करा करके ही सफ़र कर सकते हैं। आइए अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे लाल बटन पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चलें। देखिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ लोकल ट्रेनों के बारे में बताऊँ जो कुछ रह जाएंगे। जल्दी रेलवे उन ट्रेनों का भी टाइम टेबल जारी कर देगा, तो मैं उनकी भी अपडेट आपके सामने ले आऊँगा। चलिए आइए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं जो रह जाएंगे, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, सूरत से ये ट्रेन चलती है। सूरत से भुसावल चलती है, डेली चलती है। सूरत से 1 मार्च को, भुसावल से 2 मार्च को चलना प्रारंभ हो जाएगी। सूरत से गाड़ी चलेगी तो ट्रेन नंबर रहेगा 09007। भुसावल से चलेगी तो ट्रेन नंबर रहेगा 09008। देखिए ये ट्रेन भी अब जनरल कैटेगरी की है, मतलब इसमें आप भी बुकिंग करा करके सफ़र कर सकते हैं। फुल्ली जनरल है, लेकिन आपको इसमें बुकिंग करा करके सफ़र करना पड़ेगा। सूरत से ये ट्रेन 5 बजे डिपार्चर करती है। भुसावल से पहुँच जाती है 1:30 पर रात में। भुसावल से ये ट्रेन रात के 8:20 पर डिपार्चर करती है। जलगांव आ जाती है 8:45 पर। उधना पहुंच जाती है 5:28 पर। 6 बजे आ जाती है सूरत। तो ये सूरत भुसावल है, डेली चलती है, पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन आप इसमें बुकिंग करा करके ही सफ़र कर सकते हैं। आइए अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट ट्रेन है ये नंदुरबार से चलती है भुसावल। नंदुरबार से भुसावल चलती है, डेली चलती है। ये ट्रेन नंदुरबार से 2 मार्च को, भुसावल से 2 मार्च से चलना प्रारंभ हो जाएगी। नंदुरबार से जब फिर चलेगी तब इस ट्रेन का नंबर रहेगा 09077। जब भुसावल से चलेगी तो इस गाड़ी का नंबर रहेगा 09078। ये ट्रेन पहले पुरानी नंबर था इस गाड़ी का, मैं बता देता हूँ 5907 5907 76 नंबर के साथ ये पहले चलती थी, लेकिन रेलवे ने इसका नया नंबर जारी कर दिया है। ये ट्रेन भी आप फुल्ली रिजर्व कैटेगरी की, इसमें आप बुकिंग करा करके सफ़र कर सकते हैं और 15 डिब्बे लगाए गए। आइए अब मैं आपको इसमें थोड़ा टाइम टेबल बता देता हूँ। नंदुरबार से ये ट्रेन 2:30 पर दोपहर में डिपार्चर करती है। जलगांव के रास्ते भुसावल पहुंच जाती है। जलगांव 6:42 से भुसावल शाम के 7:20 पर पहुंच जाती है। देखिए ये ट्रेन जब नंदुरबार से भुसावल चलेगी तो टोटल दूरी 174 किलोमीटर है और टाइम लगभग 4:50 का रहेगा। स्पीड रहेगी लगभग 36 किलोमीटर पर आवर।
ये ट्रेन भुसावल से जब चलेगी तो सुबह के 9 बजे डिपार्चर करेगी जलगांव 9:32 पर, और ये ट्रेन नंदुरबार आ जाती है 1:40 पर। तो ये ट्रेन है नंदुरबार से चलती है भुसावल, डेली चलेगी, 2 मार्च से चलना प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको एक एक करके लोकल ट्रेनों के बारे में बताता हूँ आगे। देखिए जो नेक्स्ट गाड़ी है ये ट्रेन रतलाम से चलती है, डॉक्टर अम्बेडकर नगर से रतलाम के मध्य डेली चलती है, पैसेंजर ट्रेन है। पहले इस गाड़ी का नंबर था 7930979310, रेलवे ने अब इसका नया नंबर जारी करे। 27 फरवरी से जब ये डॉक्टर अम्बेडकर नगर से चली तब गाड़ी का नंबर रहेगा 09389, 27 फरवरी का डॉक्टर अम्बेडकर नगर से। रतलाम से गाड़ी चली तब ट्रेन नंबर रहेगा 09390, रतलाम से 28 फरवरी को चलना प्रारंभ हो जाएगी, डेली चला करेगी। इसमें टोटल 12 डिब्बे लगाए गए हैं, ये ट्रेन डेमू कैटेगरी के अंतर्गत आती है। डॉक्टर अम्बेडकर नगर से चलने का समय इसके शाम के 7:15 पर, इंदौर आ जाएगी रात के 8:05 पर, रतलाम पहुंच जाएगी रात को 11 बजे। रतलाम से ट्रेन सुबह के 6:35 पर डिपार्चर करा करेगी, और इंदौर आने का समय इसके सुबह के 9:15 पर, 10:10 पर डॉक्टर अम्बेडकर नगर आ जाती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर नगर रतलाम पैसेंजर ट्रेन है, 27 फरवरी को चलना प्रारंभ हो जाएगी। आइए अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए मैं इस वीडियो में आपको लगभग 30 लोकल ट्रेनों के बारे में बताऊंगा, 30 लोकल ट्रेन है ये कुल मिलाकर, और बाकी जो 6 एक्सप्रेस ट्रेनें थी जिनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। आइए अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट गाड़ी है वांकानेर से मोरबी चलती है, वांकानेर मोरबी, ये ट्रेन 1 मार्च से दोनों अप और डाउन दोनों दिशाओं में चलना प्रारंभ हो जाएगी। जब ये ट्रेन वांकानेर से चलेगी तो गाड़ी का नंबर रहेगा 09441, मोरबी से चलेगी तो गाड़ी नंबर रहेगा 09442। ये ट्रेन पर डे चला करेगी वांकानेर से मोरबी के मध्य। देखिए ये ट्रेन वांकानेर से 7:10 पर चलती है, मोरबी 7:55 पर पहुँच जाती है। मोरबी से ये ट्रेन 8:10 पर सुबह डिपार्चर करती है, 8:55 पर वांकानेर आ जाती है। इस ट्रेन में भी आप बुकिंग करा करके सफ़र कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट गाड़ी भी वांकानेर मोरबी है, पर डे चलती है, ये भी 1 मार्च से अप और डाउन दोनों दिशाओं में चलना प्रारंभ हो जाएगी। इस ट्रेन का पहले नंबर था 7944, रेलवे ने अब इसका नया नंबर जारी कर दिया। वांकानेर से चलेगी तो गाड़ी नंबर रहेगा 09443, मोरबी से चलेगी तो इस ट्रेन का नंबर रहेगा 09444। ये ट्रेन पर डे चला करेगी, इस ट्रेन में टोटल 3 डिब्बे लगाए गए हैं। आइए मैं आपको उसका टाइम टेबल बता देता हूँ। वांकानेर से 9:30 पर डिपार्चर करेगी, मोरबी 10:15 पर पहुँची, मोरबी से 1:05 पर डिपार्चर करेगी, 1:50 पर वांकानेर आ जाएगी। तो ये वांकानेर मोरबी पैसेंजर ट्रेन है, पर डे चला करेगी 1 मार्च से। आइए अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए ये ट्रेन भी वांकानेर से मोरबी चलती है 1 मार्च से, ये भी ट्रेन अप और डाउन दोनों दिशाओं में चलना प्रारंभ हो जाएगी। जब ये ट्रेन वांकानेर से चले तो ट्रेन नंबर रहेगा 09439, मोरबी से चले तो ट्रेन नंबर रहेगा 09440, पर डे चला करेगी। आइए मैं इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। वांकानेर से 7:20 पर डिपार्चर करेगी मोरबी, 8:50 पर शाम को पहुँच जाएगी, मोरबी से शाम को 8:20 पर डिपार्चर करेगी, रात में 9:05 पर वांकानेर आ जाएगी। अब आइए नेक्स्ट गाड़ी आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट गाड़ी साबरमती महसाना पैसेंजर ट्रेन है, इस ट्रेन में भी आप रिजर्वेशन करा करके बुकिंग कर सकते हैं। साबरमती से नए नंबर के साथ 09431 के साथ 2 मार्च को चलना प्रारंभ हो जाए, महसाना से ट्रेन नंबर 09432 के साथ 3 मार्च से चलना प्रारंभ हो जाए। इस ट्रेन में 9 डिब्बे लगाए गए हैं। आइए मैं आपको इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। साबरमती से यह ट्रेन शाम को 4:40 पर डिपार्चर करती है, महसाना 6:10 पर आ जाती है, महसाना से 7:45 पर डिपार्चर करा करेगी, साबरमती 9:20 पर सुबह आ जाएगी। यानी ये ट्रेन जब महसाना से चलेगी तो सुबह 7:45 पर डिपार्चर करेगी और 9:20 पर साबरमती आ जा करेगी। आइए अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट गाड़ी है साबरमती से पाटन चलती है, साबरमती पाटन पर डे चलती है, ये ट्रेन साबरमती से नए नंबर 09433 के साथ 1 मार्च को चलना प्रारंभ हो जाएगी। पाटन से ये ट्रेन 09434 नंबर के साथ 2 मार्च से चलना प्रारंभ हो जाएगी। ये ट्रेन फुल्ली रेयर कैटेगरी की, यानी कि आप इसमें बुकिंग करा करके सफ़र कर सकते हैं। इसमें टोटल 12 कोच लगाए गए। आइए मैं आपको इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। साबरमती से शाम को 6:25 पर डिपार्चर करती है, पाटन रात के 8:55 पर आ जाती है, पाटन से ये ट्रेन सुबह के 6 बजे डिपार्चर करा करेगी, साबरमती 8:20 पर आ जा करेगी। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चलें। चलिए आइए हम आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट गाड़ी है महसाना से आबू रोड चलती है, पर डे चलती है महसाना आबू रोड, महसाना से नए नंबर 09437 के साथ 2 मार्च से चलना प्रारंभ हो जाएगी। आबू रोड से ये ट्रेन 09438 नंबर के साथ 3 मार्च से चलना प्रारंभ हो जाएगी। आइए अब मैं आपको इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। महसाना से 6:15 पर शाम को डिपार्चर करती है, आबू रोड 9:10 पर आ जाती है, आबू रोड से ये ट्रेन सुबह चला करेगी 5:05 पर, महसाना 7:40 पर आ जा करेगी।
आइए अब आगे नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं। देखिए लास्ट लोकल पैसेंजर ट्रेन है, इसमें मैंने आपको लगभग 30 लोकल ट्रेनें और बाकी 6 एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में बताया है। आइए अब मैं आपको लास्ट लोकल ट्रेनों के बारे में बता देता हूँ। ये ट्रेन उधना से चलती है, नंदुरबार डेली चलती है। उधना से नई नंबर 09377 के साथ 2 मार्च को, नंदुरबार से यह ट्रेन 09378 नंबर के साथ 2 मार्च से चलना प्रारंभ हो जाएगी। ये ट्रेन 22 12 कोच लगाए गए इस ट्रेन, और ये ट्रेन फुल्ली रिजर्व कैटेगरी की, आप इसमें बुकिंग करा करके ही सफ़र कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको इसका टाइम टेबल बता देता हूँ। उधना से 6:15 पर डिपार्चर करती है ये, नंदुरबार 9:40 पर सुबह नंदुरबार पहुँच जाती है। जब ये ट्रेन नंदुरबार से चले तो दोपहर के 12:30 पर डिपार्चर करती है, लगभग 12:30 बजे उधना आ जाती है शाम को 4:40 पर। तो ये उधना से चलती है नंदुरबार पैसेंजर ट्रेन है। तो इस वीडियो में मैंने आपको लगभग 37 ट्रेनों के बारे में बताया, जिसमें से 31 ट्रेनें तो लोकल कैटेगरी की और 6 ट्रेनें एक्सप्रेस कैटेगरी की हैं, और जो कुछ वेस्टर्न रेलवे द्वारा बाकी बची हुई ट्रेनें जो भी रह जाएंगी, जैसे उन ट्रेनों की अपडेट आई तो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। उसके लिए आप हमारे नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ट्रेन संबंधी अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।